गोलगप्पा कहें या पानी पूरी, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और आज इसी को हम घर पे बनाएंगे। इसका तीखा चटपटा पानी, आलू वाला मसाला और साथ में सूजी के गोलगप्पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है काला वाला चना और इसको पहले से भिगो करके रखा है। साथ में लेंगे आलू। तो आलू और चने को हमें साथ में उबालना है इसका मसाला बनाने के लिए। तो आलू को पहले छील लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से धो लेंगे। तो आलू रेडी है। अब लेंगे हम एक प्रेशर कुकर और जो आलू हमने धुला है उसको इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे चना। तो चने का पानी निकाल करके उसको छान करके इसमें डाल दिया है। कहीं पे इसको आलू के साथ बनाते हैं, कहीं आलू और चना मिक्स करते हैं और कहीं पे इसको मटर के साथ बनाते हैं। आज मैं आलू और चना दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो यहाँ पानी डाल दिया है उबलने के लिए और कुकर को बंद करके इसमें 3 सीटी ले आएंगे। तो कुकर को मैंने दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है और जब तक ये कुक होता है तब तक हम पानी पूरी का एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो एक पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में 8 से 10 काली मिर्च। सभी को हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे काली मिर्च भी डाल दी है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। और आप चाहें तो इसमें जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है सूखी, उसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसको थोड़ा ज्यादा तीखा रखना है तो। उसके बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। इसको फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। अब चलिए गोलगप्पे के पानी के लिए हम एक मजेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 मुट्ठी धनिया के पत्ते, इसका 1/4 पुदीना के पत्ते, फिर इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। तो मैंने लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्ची। साथ में डालेंगे आधे नींबू का रस और थोड़ा सा पानी डालकर इसको फाइन पीस लेंगे। इस समय इसमें नमक नहीं डाला है, नमक को हम एक बार पानी में ही एडजस्ट करेंगे। तो चटनी को हम ऐसे ही बिना नमक के ही पीस लेंगे। तो ये पानी डाल दिया है और इसको पीस लेंगे। तो चटनी तैयार है। एक कटोरी में इसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो आलू और चना हमने बॉईल होने के लिए रखा था वो भी हो गया है, तो उसको छान करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। गोलगप्पे को कई जगह कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोलगप्पा, पानी पूरी, कहीं पे इसको बताशे कहते हैं और झारखंड में इसको गुपचुप कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपका कोई फीडबैक या सजेशन है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से मैश कर रही हूँ, फिर इसमें बाकी की चीजें हम ऐड करेंगे। तो आलू अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लास्ट में इसमें हम एक चीज और डालेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो हमने डाला है इसको अच्छे से मिला लेंगे और मसाले को साइड में रख देंगे। तो फिलिंग बनाने के बाद हम गोलगप्पे के लिए इसका तीखा और चटपटा पानी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम इमली बिना बीज वाली और इसको पहले से ही मैंने पानी में भिगो करके रखा था जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो हल्का सा मैश करने पर ही इसका पल्प आसानी से अलग हो जा रहा है। आप चाहें तो इसको इस तरह से मैश कर लें या फिर इसको मिक्सी में भी एक बार चला सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से छान लेंगे जिससे कि इसका जो भी रेशा है वो निकल जाए। तो इमली को आप 1 घंटे पहले भिगो करके रख दें जिससे कि इसका पल्प आसानी से निकल आए। तो ये हो गया है। अब हम बना लेंगे गोलगप्पे का पानी। तो इसके लिए लिया है बड़ा बर्तन और इसमें डालेंगे इमली वाला पल्प जो हमने निकाला है, साथ में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच भर के हरी वाली चटनी, फिर इसमें डाल देंगे मसाला दरदरा कुटा हुआ जो हमने बनाया था, उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, काला नमक, फिर इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के भुने जीरे का पाउडर और ठंडा पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बार मिक्स करने के बाद आप इसको टेस्ट कर लें, अगर कोई भी चीज कम ज्यादा लगे तो उसको बैलेंस कर लें। चटनी और मसाला तो हमने ज्यादा ही बनाया है, तो जितना पानी आपको बनाना है उसी हिसाब से सभी चीजों को डालें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा पानी और डाला है। फिर हम इसमें डाल देंगे बूंदी, थोड़े से बर्फ के टुकड़े, यहाँ पे थोड़ी सी चटनी मैंने और डाली है और इस तरह से कटे हुए नींबू के स्लाइसेस और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बनाते बनाते ही आपको इसको पीने का मन करेगा, इतना टेस्ट ही बनता है ये। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, साइड में रख देंगे। अब हमने जो आलू वाला मसाला बनाया था उसमें ये वाला पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे 4-5 चम्मच हमें ये वाला पानी ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये डाल दिया है और एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अमेजिंग स्टफिंग और बहुत ही टेस्टी पानी तैयार है। वीडियो देखने के बाद आपको इसको तुरंत बनाने का मन करेगा। और लास्ट चीज इसमें डालेंगे हम पानी में 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब चलिए गोलगप्पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और आटा गूंदने वाला परात लिया है जिसमें डालेंगे 250 ग्राम सूजी, और सूजी अगर मोटे दाने की है तो ज्यादा अच्छा है। फिर जो तेल गर्म है उसमें से 1/2 कप तेल सूजी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफी गर्म है ये, तो चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिला लिया है जिससे कि सूजी का एक एक दाना तेल से अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद इसको गूंदने के लिए हम लेंगे एकदम गर्म पानी। तो 1/2 कप मैंने पानी लिया है और सूजी में डालकर इसका आटा लगा लेंगे। तो पहले चम्मच से इसको अच्छे से मिला लेंगे, और जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तब इसको इकट्ठा करके अच्छे से गूंद लेंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि सूजी कैसी है। तो अगर आपको किसी स्टेज पर लगे कि ठीक से गूंद नहीं रहा है, इसमें थोड़ा और पानी की जरूरत है, या सूजी थोड़ी सूखी है, तो इसमें गर्म पानी और डाल सकते हैं। और इकट्ठा करने के बाद हमें इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है, तभी जब इसको हम बेलेंगे तो ये फटेगा नहीं। उसके बाद कम से कम 18 से 20 बार इसको जोर जोर से इस तरह से पटकना है। यही वो ट्रिक है जो हलवाई यूज करते हैं परफेक्ट सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए। तो ये हो गया है। अब इस तरह से इसको रोल कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो एक पोर्शन मैंने इसका लिया है रोल करने के लिए, और बाकी को ढक करके रखेंगे जिससे कि सूजी सूखे ना। उसके बाद इसके एकदम स्मूथ बॉल्स बना लेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा शेप दे देंगे, क्योंकि जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं वो थोड़े लंबाई में होते हैं। आप चाहें तो उसको लंबा कर सकते हैं या फिर उसको गोल भी रख सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते हुए इस तरह से बेल लेंगे। और इसको छानने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, तो फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और एक पीस डालकर इसमें चेक कर लेंगे। अगर ये अच्छे से फूल रहा है इसका मतलब डो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गया है, तो हम बाकी को भी इसी तरह से बेल करके छान लेंगे। जब मैंने इसको पहली बार बनाया था तब ये बार बार फट रहा था बेलने पर, इसके जो किनारे हैं वो स्मूथ नहीं आ रहे थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी वापस से डालें और अच्छे से गूंद लें, उससे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा और जब आप इसको बेलेंगे तो फटेगा नहीं। और डालने के बाद इसको तुरंत चलाना नहीं है, जब ये अपने आप फूल जाएगा तब इसको पलट लेंगे और जो पीस अच्छे से गोल्डन हो गया है, सिक गया है, उसको निकालते जाएंगे। तो 2 बैचेस में मैंने इतने गोलगप्पे फ्राई किए हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गए हैं, और इसको किसी जाली वाले बर्तन में रखेंगे जिससे कि ये क्रिस्पी बना रहे। तो बस एक पाव सूजी से आप 35 से 40 गोलगप्पे बना सकते हैं। साथ में तीखा और चटपटा पानी जिसको हमने घर में एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाया है, और बहुत ही टेस्टी आलू का मसाला। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और आगे मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।